नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आप लोगों के लिए हिंदी की कुछ वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें आप लोगों की वर्णमाला लगभग समाप्त हो चुकी है। उसमें एक वीडियो आनी अभी बकाया है। साथ ही साथ बच्चों की डिमांड चल रही थी कि सर आप रीजनिंग भी साथ के साथ ही कराते चलिए, जिससे हम लोगों की तैयारी और शिखर तक पहुँच सके। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों की मांग के साथ भी, और जैसा समय चल रहा है रीजनिंग का, थोड़ा सा पैटर्न कभी ऊपर भी आ जाता है, कभी नीचे भी हो जाता है, तो हम सभी लेवल को लेते हुए सबसे पहला हमने एक चैप्टर उठाया है पासा। आप इस पासे को बड़े ध्यान से देखिए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, पासे से नहीं छूटेगा। ये हमारा आपसे वादा है। देखिए, पासा होती क्या चीज है, सबसे पहले पासा समझना है। पासा होती क्या चीज है, आप लोगों ने देखा होगा जो लूडो खेलते हैं, लूडो की जो गोटी होती है उसे ही हम पासा बोलते हैं। लूडो की जो गोटी होती है उसे ही हम पासा बोलते हैं, और वो लगभग देखने में आपने देखी होगी कुछ इस प्रकार से रहती है, यानी उसकी तीन साइडें आप लोग देख सकते हैं। तीन साइडें कुछ इस प्रकार से आपने देखी होगी कि पासा इसी प्रकार से होता है। अब पासे के भी दो स्थितियां होती हैं, पासे के भी दो प्रकार होते हैं, उन्हें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखा गया है कि पासे का सिंगल पासा दे देता है और पूछ लेता है कि तीन के विपरीत सतह पर क्या होगा, या कोई भी अंक दे देगा उसके विपरीत पूछ लेता है। तो आप लोगों को समझना है, सबसे पहली बात तो यह है, पासे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो दो प्रकार होते हैं? सबसे नंबर एक होता है मानक पासा, जिसे कहते हैं लूडो वाला, और दूसरा होता है एक साधारण पासा। दोनों में अंतर क्या है उसे अभी हम बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। यदि हम मानक पासे की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, यदि ऊपर 6 का अंक आ जाता है तो आप लोग कह देते हैं कि इसके नीचे वाली सतह पर एक छिपा हुआ होगा। इसका मतलब आप लोगों ने नोटिस करा कि आपस की जो विपरीत साइडें होती हैं उन दोनों साइडों का योग 7 होता है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि मैं यहां कहूं कि यहां पर 3 अंक है, इसके विपरीत सतह पर क्या होगा, तो विपरीत सतह पर आप लोग बता सकते हैं कि 4 होगा, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि दोनों विपरीत साइडों का योग मानक पासे या लूडो वाले पासे में 7 होता है। तो हमने ये भी 7 कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि हम तीसरी साइड की बात करें, यदि हम यहां कहने लगे 2 होंगे, तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि इसके विपरीत सतह पर, पीछे वाली सतह पर क्या होगा, 5। क्यों? क्योंकि आप जान चुके हैं कि दोनों विपरीत साइडों का योग हमेशा लूडो वाले पासे या मानक पासे में 7 होता है। अब समझने वाली बात क्या है उसे आप लोग बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां पर मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस बने रहते हैं। क्या चीज है कि वो एक सिंगल पासा दे देता है इसी प्रकार का, और हमसे पूछ लेता है कि इसके विपरीत क्या होगा या उसके विपरीत क्या होगा, कोई भी एक अंक दे देता है, जैसे 2 दे दिया, 4 दे दिया और 1 दे दिया, और हमसे ये पूछ ले कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। हम बताने को तो बता सकते हैं कि 4 के विपरीत सतह पर 3 होगा, लेकिन कभी कभी हम मिस्टेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि क्या ये मानक पासा है भी जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, क्योंकि साधारण पासे में तो ये कंडीशन नहीं होती। साधारण पासे में ये कंडीशन नहीं होती, उसी को देखते हैं हम। तो हम ये कह रहे हैं तुमसे कि मानक पासा या लूडो वाला पासा आपको पहचानना है। लूडो वाला पासा या मानक पासा आप लोगों को यदि पहचानना है, तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी 3 सतह आप लोगों को दिखाई दे रही हैं,
उनमें से दो दो को जोड़ के देख लो। यदि जोड़ने के बाद सात नहीं बैठे, यदि दो दो विपरीत साइड है जोड़ने के बाद सात नहीं बैठे तो इसका मतलब है ये पासा कैसा है, मानक। कैसे? आप लोगों ने देखा कि ये तीन सतह आप लोगों को चमक रही हैं, क्योंकि लूडो में हमेशा चाहे वो कैसे भी पड़ा हो आप लोग, आपको तीन ही साइड चमक सकती हैं, चौथी साइड कभी नहीं चमकती क्योंकि वो विपरीत होती है। देखो कैसे, जैसे हमने चार में दो जोड़ा तो ये हो गए छह, क्या सात बैठे, नहीं बैठे। चार में एक जोड़ा पांच हो गए, क्या सात बैठे, नहीं बैठे। दो में एक जोड़ा तीन हो गए, क्या सात बैठे, नहीं बैठे। इसका मतलब ये बात साफ हो गई कि ये वाला जो पासा है ये मानक पासा है या लूडो वाला पासा है, और इनके दो विपरीत साइड, जो भी दो साइड दिखाई दे रही है तुम्हें, ये जो तीन साइड तुम्हें दिखाई दे रही हैं, इसमें से दो दो को तुमने जोड़कर देख लिया कि सात नहीं बैठ रहा। इसका मतलब ये ही है कि यदि दो दो को जोड़ने के बाद सात नहीं बैठे तो हम उसी पासे को कह देंगे मानक पासा। उसी पासे को क्या कह देंगे, मानक पासा। अब हम इसमें मानक पासा हो गया तो हम इसे बिल्कुल लूडो वाला पासा कहेंगे, और लूडो वाले पासे में आप लोग सब चीजें जानते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहने लगूं दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत, तो आप लोग बिल्कुल भली भांति समझ चुके हैं कि दो के विपरीत क्या होगा, पांच। होगा या नहीं होगा? अभी आप लोगों ने सीखा था कि जो मानक पासा होता है या लूडो वाला पासा होता है उनकी दोनों विपरीत साइडों का योग हमेशा सात होता है, और आपने सात बैठा दिया, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी चीज, यदि मैं कहने लगूं एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत, तो आप लोग कह सकते हैं छह होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने सीखा था बिल्कुल अभी अभी कि मानक पासे में दोनों विपरीत साइडों का योग हमेशा सात होता है, दिखने वालियों का सात नहीं होता। इसमें आप लोग बिल्कुल सही प्रकार से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पासे की, दूसरे पासे की। दूसरा पासा कौन सा है? दूसरा पासा है साधारण पासा। अब हम यहां बात करेंगे साधारण पासे की, कि ये पहचान कैसे होगी कि ये पासा साधारण है या नहीं है। साधारण पासा, इसमें भी सीधा सा सिंपल सा आप लोग बता सकते हैं कि एक पासा आप लोगों को मिलेगा बना हुआ, एक पासा आप लोगों को बना हुआ मिलेगा, और ऐसे करके उस पर अंक लिखे होंगे। करना क्या है, वही करना है, जो भी आपको तीन फलक दिखाई दे रहे हैं इसमें से दो दो फलकों को जोड़ के देख लो, और जोड़ने के बाद क्या चीज, जोड़ने के बाद योग जो बैठेगा इसमें वो सात बैठेगा। कितना बैठेगा? सात। और अगर सात बैठ जाए तो पासा कैसा हो जाएगा? साधारण। और याद रखने का तरीका भी सिंपल सा है, सात में भी से आता है और साधारण में भी से आता है, तो साधारण सात, यानी अगर योग सात बैठ जाए तो पासा हो गया साधारण। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक, याद रखने में भी कोई परेशानी नहीं है। जैसे अब आप लोगों ने देखा इन दोनों को जोड़ के देखा, पांच और दो सात, नहीं तो आप लोग खुद बताइए अगर हम आपसे पूछने लगे कि पांच के विपरीत क्या होगा, गलती करोगे तो फिर गलती के हिसाब से तो आप लोगों का दो होगा, लेकिन दो ऊपर रखा हुआ है तो दो विपरीत हो कैसे सकता है। इसका मतलब यह है कि हमने जोड़ के देख लिया दो दो का, इसका मतलब एक में सात बैठ गया, और अगर सात बैठ जाता है तो पासा कैसा होता है? साधारण। और साधारण पासे में कोई अंक पता नहीं होता कि कौन सा कहां रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यदि आप लोगों से पूछने लगे कि पांच के विपरीत, पांच के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो इसमें से जो आप लोगों को सामने चमक रहे हैं ये तो विपरीत हो नहीं सकते, लेकिन इनके अलावा जो भी बचे हैं वो सभी के सभी कोई सा भी इनमें से हो सकता है। कौन सा हो सकता है? एक भी हो सकता है, या दो तो आपका आ गया, तीन आपका आ गया, चार भी हो सकता है, क्योंकि साधारण पासा है, पक्का नहीं होता इसमें कौन सा अंक कहां रखा हुआ है।
या फिर इसमें एक अंक और बचा कौन सा, छह। तो इसमें उत्तर तुम्हारा एक भी हो सकता है, चार भी हो सकता है और छह भी हो सकता है। और हमेशा उत्तर ऐसे ही करके लगाना है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे उत्तर देगा केवल एक, केवल चार, केवल छह, या फिर एक चौथा ऑप्शन दिया हुआ होगा, एक या चार या छह। तो आप लोगों का उत्तर होगा एक या चार या छह। बात समझ में आ गई होगी। यदि मैं इसकी जगह यह कहने लगूं कि तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत, तब भी आप लोगों का उत्तर चेंज नहीं होगा, जो ये उत्तर है यही रहेगा, क्योंकि अभी भी आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये पासा है साधारण। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर चली होगी कि क्या सर ने यह बताया कि पांच के विपरीत ये होंगे, तीन के विपरीत ये ही होंगे, क्या दो के विपरीत भी यही होंगे? बिल्कुल सही बात। क्या चीज? बिल्कुल सही बात। हर किसी का उत्तर यही होगा, हर किसी का उत्तर यही होगा, क्योंकि साधारण पासे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि पीछे वाला अंक क्या छिपा हुआ है। और हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्ट अगर हम बताएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताइएगा। बाकी का जो इसका पोर्शन बचा हुआ है, आप लोगों के रेस्पॉन्स के हिसाब से वो वीडियो फिर आगे कराई जाएगी। एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर जरूर कराएंगे, लेकिन आप लोगों का इसके प्रति कैसा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में भी आई या नहीं समझ में आई? यदि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई तो आप लोग कमेंट्स के नीचे जरूर लिखकर बताइएगा कि आप लोग किस टॉपिक के ऊपर रीजनिंग से जुड़े हुए किस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं, हम आप लोगों को जरूर उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।